गुरुकुल टेक्निकल आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संदीप राज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एक और टूर पे, एक और महादेव के मंदिर पे। ये महादेव के मंदिर मुंबई से कुछ दूरी पे है, जो कि हम लोग अभी फिलहाल मीरा रोड में हैं। मीरा रोड से हम लोग जा रहे हैं तुंगारेश्वर, जो कि वसई में है। और हम लोग रास्ते में आप लोगों को आगे से अच्छे अच्छे व्यूज भी दिखाएंगे, और कैसे जाना है वो भी हम दिखाएंगे। बाय रोड जा रहे हैं हम लोग, बाय रोड, बाइक पे, बाइक पे। चलिए चालू करते हैं आगे का सफर, सफर हम लोगों का। वेलकम है गुरुकुल टेक्निकल आर्टिस्ट में आपका। मैं ओमकार और ये मेरा दोस्त है संदीप राज। हम दोनों का ये फर्स्ट वीडियो है और हम लोग बना रहे हैं व्लॉग। व्लॉग बना रहे मीरा रोड से तुंगारेश्वर मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये हमारे एवेंजर गाड़ी है, ये उसकी चाबी है, और ये सेफ्टी के लिए हेलमेट जो कि आरटीओ अप्रूव्ड है। ये बाइक से हम लोग जाएंगे और आपको पूरा यहाँ से लेके मीरा रोड से लेके तुंगारेश्वर मंदिर तक का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखो, एंड तक देखो, और मजा आएगा वीडियो में। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तुंगारेश्वर मंदिर के लिए। हम लोग ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से करीब हमारा तुंगारेश्वर का जो सफ़र होगा वो करीब एक से सवा एक घंटे का होगा। खूबसूरत व्यूज़ है मीरा रोड की गलियों का। ये है सिल्वर पार्क, मीरा रोड में एक जगह है सिल्वर पार्क, और यहाँ पे पूरा मेट्रो का काम चालू है। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बन रही है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन रेडी होकर के हमारे यात्री भाई लोग सफ़र कर सकते हैं। हम लोग निकल पहुंचने वाले हैं काशी मीरा, मीरा रोड के काशी मीरा पे। और ये हमारे भाई आज ओमकार जी जो है वो आज खुद बाइक चला रहे हैं, जो कि आज मुझे बहुत अच्छा है मौका मिला है वीडियो बनाने का। और ओमकार भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एवेंजर गाड़ी चला के तो मस्त लग रहा है। एवेंजर बाइक चला करके आपको कैसा लग रहा है? सुकून मिल रहा है। ओके, तो लोगों को रिक्वायरमेंट करेंगे आप? लोगों को यही करेंगे जो एक तक देखो मजा आएगा तो लाइक कर दो। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मीरा रोड के काशी मीरा। ये यहाँ पे हमारे श्री श्री माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है यहाँ पे।
देखिए ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया आप लोगों को डायरेक्टली फाउंटेन आपको नीचे से जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये जाएगा सीधा फाउंटेन क्रॉस करके। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक लग चुकी है, और यहाँ पे सब गुजरात जाने वाले पैसेंजर लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारी बसेस, ऐसी लग्जरी बसेस आके यहाँ पे खड़ी होती हैं। ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज के ऊपर आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये समुद्र की खाड़ी है और यहाँ पे ब्रिज का काम चालू है, और ये देखिए जो कि समुद्र के ऊपर ये काम चालू है, समुद्र की खाड़ी के ऊपर ये काम चालू है। ये ब्रिज पानी के अंदर बनाया जा रहा है, देखा जा सकता है आपको, देखिए आप लोग आने के वक्त में आपको इस साइड का व्यू दिखाऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों हम लोग तुंगारेश्वर के गेट पे पहुंच चुके हैं, ये हमारे तुंगारेश्वर मंदिर का गेट है। अब हम लोग एंट्री मार रहे हैं हमारे महादेव की पवित्र भूमि पर। यहाँ से तो नजारा ही कुछ अलग ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी। तो यहाँ पे रिक्शा जो हमारे मुंबई में ऑटो बोलते हैं, ये ऑटो भी आप लोगों को ऊपर ले जा करके छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन से ऑटो लगे हुए हैं, आगे देखेंगे आप। ये ऑटो ऊपर लेके जाती है आप लोगों को, अगर आपको खुद नहीं जाना है ऑटो से जाना है तो। हम लोग अपनी बाइक से ही जाएंगे, ये रूट है, ऐसे ही आपको ऊपर तक देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा ही रास्ता आप लोगों को ऊपर पहाड़ तक मिलेगा आप लोगों को। कितना सुंदर नजारा है और कितना सुनसान है, चारों बाजू जंगल है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पीने का पानी भी मिल सकता है आप लोगों को, थक गए होंगे तो। ये देखिए रास्ता, देखिए
मैं आप लोगों को बहुत दिन हो गया था ये जगह दिखाने के लिए। आज हमारे ओमकार भाई मिले हैं हमको, आज मैं उनके साथ इस टूर पे निकला हूँ। और साथ ही साथ हमारे ओमकार भाई का भी एक चैनल है, वो चैनल का नाम ओमकार भाई आपको बताएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस चैनल का लिंक। ओमकार भाई इस अपने चैनल का नाम बता सकते हैं? ओमकार मल्टी सर्विसेस। देखिए यहाँ पे आप स्टॉप करके चाइना का चाचा से पी सकते हैं कि अपनी फैमिली को जरूर लेके आए। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था बहुत बंदर हैं, ये इनकी फैमिली है। ये इनकी फैमिली यहाँ पे जहाँ पे हमारे महादेव रहेंगे वहाँ पे हमारे बजरंगबली तो जरूर रहेंगे क्योंकि उनका ही ये रुद्र अवतार है। अभी देखिए ये चढ़ान चालू हो जाएगी यहाँ पे। मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे का नजारा दिखाऊं। हर जगह पे एक ही नोटिस दिया हुआ है कि थोड़ा गंदगी से दूर रहें, गंदगी हटाने के लिए अपना हाथ बटाएं। अभी हम लोगों को और ऊपर चढ़ना है। मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आ चुका था जो कि गाड़ी बाइक को जाना पॉसिबल ही नहीं था यहाँ पे हमारा, लेकिन हमारे टूरिस्ट भाइयों के लिए यहाँ की संस्था जो भी है तुंगरेश्वर की, उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया कि हमारे टूरिस्ट भाई, हमारे भक्तगण हमारे महादेव के दर्शन जरूर कर सके, वो भी अपनी बाइक से और अपने साधन से। रोड यहाँ पे एकदम हाई फाई है, थोड़ा संभल के चढ़िएगा। देखिए दो फैमिली लड़ाई कर रहे हैं अपने आपस में, भाई बहन हो जो भी हो इनके में। रास्ता एकदम बना दिया भाई, ये पैदल ही चढ़ सकता था। ये देखिए नज़ारा यहाँ पे, ऊपर से तो नज़ारा है कुछ अलग ही दिखता है ना ओमकार भाई? आप गाड़ी चलाने में ध्यान दीजिए, नज़ारा आप देखिएगा जब हम नीचे उतरेंगे। देखिए पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं जो कि महादेव के दर्शन करके। जैसा कि दोस्तों हम लोग महादेव के देवस्थल पे पहुंच चुके हैं, आप लोग को आगे का रास्ता तो मैंने दिखाया ही कितना खूबसूरत था। ओमकार जी आपको ऊपर गाड़ी चलाते हुए कैसा लगा? बहुत हालत ख़राब हो गई, डोंगर पे चढ़ते चढ़ते मज़ा तो बहुत आ गया लेकिन दूर जाके ना आँख में पूरा आँख लाल लाल हो रहा है मेरा, बहुत तकलीफ हो रही है आँख में। अच्छा मराठी में डोंगर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ 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 बोलते हैं। अच्छा तो अच्छा लगा, अभी चले हम लोग दर्शन करने के लिए महादेव के। हाँ बहुत पवित्र स्थल पे आके बहुत सुकून लग रहा है यहाँ पे, तुंगरेश्वर मंदिर महादेव मंदिर। वैसे भी आज सोमवार है, महादेव जी का वार है आज, बहुत मजा आ रहा है। आगे चलते दर्शन आज खास करके लिए मैं इधर लेके आया क्योंकि सोमवार था आज। सोमवार आज हाँ, और दिल को बहुत शांति सुकून मिलेगा मंदिर का दर्शन करके, भगवान जी को मिलके उनका दर्शन करके। चलो आगे का सफर भी आपको दिखा देते हैं। चलिए मैं आगे का सफर आप लोग को दिखाता हूँ। श्री तुंगरेश्वर मंदिर
यहाँ से आगे स्टार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले आ चुका हूँ, ये मेरा थर्ड टाइम है ये महादेव के मंदिर पे आने के लिए। यहाँ पे आप लोग चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं और यहाँ पे फूल मालाओं की दुकान भी है, आप लोग यहाँ से लेकर के महादेव को चढ़ा सकते हैं, प्रसाद भी आप लोगों को मिलेगा। मिठाई की दुकान यहाँ मिलेगी आपको, सारे जलपान की व्यवस्था है यहाँ पे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो भी भक्तजन दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर महादेव के लिए कुछ भी प्रसाद या अन्य चीज़ कुछ भी अगर यहाँ पे चढ़ाना हो तो कृपया करके आप लोग यहाँ पे पैसा नीचे से लेके आएँ, चाहे वो ATM से कैसे भी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता है, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये मुझे जानकारी आप लोग को बतानी थी। धन्यवाद। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। यहाँ पे हम लोग अपना खाली दूध लेंगे जो कि शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, और ये हमारे महादेव के जाने का प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, तो ये महादेव की खूबसूरत पावन धरती, ये महादेव की मंदिर है। अभी हम लोग दर्शन करेंगे, सृष्टि के जन्म से भी क्या लिया है, पहले तेरा वास था। आज साक्षात भोलेनाथ है पधारे, मेरे रग रग में भूले मुझको भोले पुकारे, हम तो भोले के दुलारे, दिन भर भूखे मैं रुआना, किसी का साधा छोरा हो रहा भोले का दीवाना, तेरी लीला अपरंपार प्रभु, मैंने कर दे बेड़ा पार प्रभु, मुझे मुक्त दाते मुक्ति दे, कर सकता उद्धार प्रभु, तू मेरा है भोले, मैं तेरा हूँ भोले, मुझे बचा ले तू, अभी उठा ले तू, लगता नहीं तू मेरा, मुझे बुला ले तू, डमरू बाजे डम डम डम, हाथ उठा कर बम बम बम, भांग न तू रा पी जम पूरा भोले के नाम, मेरे सातों जन्म, सावन का महीना पावन, थाम ले तू मेरा दामन, बोली तेरा हक जैसे कलयुग का रावण।
प्रवाह पावित स्थले कलेव लंब लंबित अंबुजंग तुंग मालिकम दमट तमट तमट तमर निनाद तमट तमर वयम चकार चंड तांडवम तनुतन शिव शिवम शिवम दिख रहे क्या? कुछ दिख रहा है? कछुए दिख रहे हैं? नहीं, जैसा कि मैंने आप लोग बाहर पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे पानी पानी की कृपा। ये देखिए, बाहर पीने के लिए पानी नहीं है, पर महादेव की कृपा देखिए, उनके पास तो पानी पानी है। और इतने ऊपर पहाड़ में कुआं है और कुएं के अंदर पानी, वाटर लेवल भी बहुत ऊपर है। ऐसे ही घेरा गया है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे हम जैसे लोग आते और यहाँ पे झांकते हैं तो कोई ना कोई गिर ना जाए, यहाँ पे सेफ्टी के लिए। और यहाँ पहले बनाया गया था, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से पहले पानी खींचा जाता था ऊपर पीने के लिए, वहाँ से भी है, लेकिन वहाँ बहुत पानी गिर रहा। ये हमारे ऊपर जो हैं हमारे साधु, जो ये मंदिर की देखरेख करते हैं, पुजारी लोग, उनका रहने का स्थान है। यहाँ पे एक और मंदिर भी है, जो कि मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। हमारी माता का मंदिर है, ये मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँगा। ओमकार जी बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर बहुत सारे बंदर हैं। बंदर तो बहुत हैं यहाँ पे। हाँ, बंदर तो बहुत है। हाँ, ये हम दोनों भी उनके खानदान से ना। लेकिन वो हमारा खानदान कितने हजार साल पुराना होगा, वो अभी हम लोग को पहचानते नहीं कि ये हमारा खानदान है। हम पहचानते, वो हमारे खानदान थे, लेकिन हम नहीं पहचानते ना कि वो नहीं पहचानते हम इनके खानदान हैं। पीछे बहुत नज़ारा जबरदस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त। हम लोग ऑलरेडी इतना ऊपर चढ़ के आए भाई, बहुत नीचे देखो, ये किधर गए किधर गए, ये देखो यहाँ पे तार है। हाँ, तो हम लोग ने आप लोगों को दिखा दिया महादेव की तुंगेश्वर मंदिर। अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न अपने घर की वापसी के लिए जा रहे हैं। वापस भी मैं आप लोगों को रास्ते भर में दिखाऊंगा, टूर रास्ता दिखाऊंगा। ओमकार जी क्या करना है, आपका क्या कहना है, रिटर्न दिखाना चाहिए? जाते टाइम भी उनको अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए कि अपनी रिटर्न की जर्नी कैसी होती है। आते टाइम की जर्नी तो दिखा दिए हम, जाने की जर्नी तो दिखाना जरूरी है। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे है ना, नीचे उतरते वक्त में आपको एवेंजर की जो आगे का ब्रेक होता है ना, संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ढलान है और मिट्टियाँ बहुत है। शूटिंग, वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफर का काम मैं करूँगा और ड्राइवर का काम संदीप भाई करेंगे। पक्का? यस। पक्का ना? पक्का पक्का। अच्छे से करोगे ना? यस। और मेरी गारंटी नहीं है, मेरी गारंटी नहीं, एक दो बार गिरा सकता हूँ। गिरा देंगे तो मेरा पैर इतना पूछ जाता कि मैं ऐसा खड़ा भी रहूँगा तो आवेंजर नीचे से निकल जाएगी, इतनी हाइट है मेरी।
क्या बात है, वीडियो कहाँ से तुम लेने वाले हो? गाड़ी के पास से? गाड़ी के पास से वीडियो तुम? हाँ, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो फोटोग्राफर अभी चेंज हो गए। यह है संदीप भाई, मिस्टर संदीप राज, जो कि है गुरुकुल टेक्निकल आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल के ओनर, क्रिएटर, सब कुछ वही है, एडिटर, सब सब कुछ, ऑल इन वन, होल एंड सोल, गुरुकुल टेक्निकल। दोस्तों लीजिए, गुरुकुल टेक्निकल आर्टिस्ट को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन भी ऑन करें। ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह मैं आप लोगों को लाके दिखाते रहूँगा। देखो मंदिर का ये बाहर का है, यहाँ से पानी बहता है बारिश के टाइम पे, बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है। ऐसे संदीप भाई बोल रहे, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। ये देखो खूबसूरत नज़ारा मंदिर का कैसा है, एकदम ज़बरदस्त सीन लग रहा है। हमारे भोलेनाथ महादेव श्री शंकर भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पे बरसे रहे, बरसते रहे। होटल से ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के लिए, हाँ बच्चों का गार्डन चल रहे, यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे खरगोश है, ऊँट है, हाथी तो दिखा दिया संदीप भाई ने, और देखते हैं क्या क्या है। पिकॉक है, मोर और झूले है। पिकॉक है यहाँ पे, पिकॉक इधर है, झाड़ी में छुपा हुआ है। एक हाथी उल्टा गिर गया था लड़ाई में झगड़े में। पिकॉक उधर था किधर, तो भी देखा मैंने, इधर है वो, देखो उधर उधर है, इधर वो देखो पिकॉक उधर है, दिख रहा है पिकॉक उधर झाड़ी में छुप गया है, पिकॉक भी मिल गया। दोस्तों अभी आगे का सफ़र मैं तय करूँगा और पूरी वीडियो की शूटिंग हमारे ओमकार भाई करेंगे, और गाड़ी हमारी पूरी एवेंजर उसको मैं चलाऊंगा। और सेफ्टी पहनना बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग सेफ्टी पहनेंगे अपनी हेलमेट, और हेलमेट पहनना मतलब सर में लगाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये क्लिप इसके लिए दिए जरूरी होती है, वो भी पहनना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, कभी हम गिरते हैं तो ये हमारे सर से निकले नहीं। चलिए मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और अपने वापस घर के लिए रवाना होते हैं। हर हर महादेव। रिजर्व रिजर्व चाहिए, रिजर्व
यहाँ पे अभी गाड़ी तो मीटर में जा रही है पूरा पहाड़ के नीचे। हाँ, हम लोग ने स्टार्ट इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ढलान बहुत तेज है, हमने सोचा बंद गाड़ी करके ही लेके जाते हैं। पेट्रोल जो बचाना जरूरी है, थोड़ा पेट्रोल भी बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई के अंदर पेट्रोल 120 रुपये क्रॉस कर चुका है। भोले की भक्ति में तन मन सब नाचे। शिव से आया है शिव में मिल जाएगा, शिव के बिन तुझको कुछ ना मिल पाएगा। शिव से आया है शिव में मिल जाएगा, शिव के बिन तुझको कुछ ना मिल पाएगा। दो बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम चूर होके डम 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 रूचो पाचे। भोले की भक्ति में तन मन सब नाचे। डम 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 रूचो पाचे। भोले की भक्ति में तन मन सब नाचे। पूरा के लिए खत्म कर दोगे टैंकी? थोड़ा तो बचा, बच जाएगा रखो दूसरों के लिए। महादेव की कृपा इतना है ना कि यहाँ पे पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे मेरे जैसे 100 आ जाए या करोड़ों आ जाए। बंद कर दो नल, पानी वेस्ट हो रहा है।
दोस्तों हमारी जो जर्नी थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की है, अब हम लोग वहीं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं जहाँ से शुरू किए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो बताना, कमेंट में बता दो। और हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नई वीडियो तक की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप देखें। चलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।